हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री। आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को जीतिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये यूपी बिहार का पूजा है, जीतिया पूजा। मेरी मम्मी भी व्रत रहती हैं और आज है 25 सितंबर। तो मैं बस मम्मी को मंदिर से लेकर के आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपनी क्यूटी पाई, मेरी जिगरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में। मतलब मैं उसको पार्टी दे रही हूँ। लकीली आज मेरा शूट ऑफ था, जो कि मन सुंदर से मुझे ऑफ मिलता नहीं है। और दोस्ती के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती कैसी है। तो चलिए गाड़ी में बैठ के फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं निकल चुकी हूँ दिया के घर के लिए और आप यकीन नहीं मानोगे, मुंबई में 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सितंबर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बरसात का ही महीना है। मतलब इतनी बारिश तो मुंबई में इस साल बारिश में भी नहीं हुई है। तो खैर छोड़ो, तो मैं जो दोस्ती के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी, मेरी दिया की दोस्ती हुई थी, ये उन दिनों की बात है, शो में। वहाँ पर वो एज एन क्रिएटिव आई थी और मैं उन दिनों में एक्टर थी। हमारी दोस्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि हम ना किसी बाउंडेशन में नहीं रहते कि तूने कॉल नहीं किया या तूने कॉल नहीं किया, तूने याद नहीं किया, तूने याद नहीं किया। और मैं तो इस साल उसकी बर्थडे भूल भी गई थी, क्योंकि ये शूट करते करते बहुत हालत ख़राब हो जाती है, बट उसने इस बात का भी बुरा नहीं माना। और मेरा मानना है दोस्ती यही है जो आपको समझे। वैसे आपके हिसाब से दोस्ती कैसी होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक बात बताऊँ, बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब बहुत ही इरिटेटिंग वाली माहौल हो रही है गाइज। लेकिन क्या करें, एक दिन की छुट्टी मिली है और फिर पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, फिर कब मिलेंगे, कब हम ऐसे डिनर पर जाएँगे। वैसे मैं मुद्दतों बाद जा रही हूँ डिनर पर, कहीं अच्छे से मेकअप वकअप करके तैयार होके। तो गाइज, यहाँ पर आ चुकी है बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ऐसा बोला है इन लोगों को। अब पता नहीं, दिन देखो खाली, बारिश देखो खाली, पर बहुत अच्छा दिन है। आज जीतिया पूजा है। ओ हाँ, जिसने बताया तुम्हें, भर भर के इसको ब्लेसिंग ऐसे भी माता रानी देंगी। और अभी मैं अंधेरी की हालत दिखाऊं तो ऐसे ना क्या बोलते हैं, पोखरा भर गया, नदी तो नहीं बोल सकते, तालाब भर गया। चलो मछली पकड़, सॉरी आज नो नॉन वेज। ऐसे भी ये गुज्जू है, वेजिटेरियन है और मैं सिर्फ संडे खाती हूँ। पूजा पाठ का दिन ऐसे बातें नहीं करते, तो बस कंटिन्यू बने रहो। और बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं करते, लग रहा है ब्लॉगिंग कर। हमारा डिनर हो चुका है डन गाइज। और फिर यहाँ से निकलने से पहले हम दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट तो बनता ही है जो हमेशा याद रहे। और बस इसके बाद हम निकल चुके दिया के घर के लिए। दिया को घर छोड़कर फिर मैं निकल जाऊँगी अपने घर के लिए गाइज। और बारिश देख रहे हो, कंटिन्यू हो रही है। तो सबसे पहले तो फिर से एक बार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैडम का कल बर्थडे था और इसने आज मुझे कॉल किया और इसने मुझे याद दिलाया कि तू भूल गई कल मेरा बर्थडे था। क्योंकि मुझे लगा कि अगर आज भी नहीं बताऊंगी तो फिर रात में पता चला तो डांट मुझे ही खानी पड़ेगी कि तूने क्यों कॉल नहीं किया, मैं भूल गई थी। तो इसलिए मैंने डर के मारे सुबह सुबह हमारी दोस्ती की जो सबसे अच्छी बात मैं वही बता रही थी कि हम ना किसी बंदिश में नहीं बने हैं। जैसे कि मैं इसका जन्मदिन भूल गई, पर मुझे इस बात का डर नहीं है कि बंदी मुंह फुला लेगी या मेरे से बात नहीं करेगी या गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि ये समझती है कि जनरली मैं भूल गई होंगी तो ऐसा होता है। फिर इसलिए मुझे उल्टा बोल रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने सगे भाई बहनों के बर्थडे भी भूल जाती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बात मैं इससे पूछना चाहती हूँ वीडियो में कि हमारी दोस्ती तो मतलब
एक नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई और डे बाय डे जितना दिन जाता गया हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे, बहुत अच्छे हम दोस्त बन गए, जिगरा यार बोल सकते हैं। तो मेरी ऐसी कौन सी क्वालिटी तुझे अच्छी लगी जो तुझे लगा कि हाँ मैं काबिल हूँ तेरे दोस्त बनने की? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बट मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि जो भी बात होती है ना तो दिल में नहीं रखती, तो मुँह पे बता देती है और तू ये नहीं सोचती कि मेरा ये बोलने के बाद तुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो वो टोटली नॉन जजमेंटल वाली बात होती है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि मुँह पे बोल दो, अगर नहीं आ सकती तो भी तू बोल सकती देती है कि नहीं आ पाऊंगी या लेट हो गया। हाँ, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलूँ आ रही हूँ और फिर मैं नहीं आके बहाना बनाऊँ, मुझे लगता है जो मेरे अपने हैं जो मुझे समझते हैं वो समझ जाएंगे। मतलब जैसे फोन पे भी बात करते हैं तो जैसे किसी का कॉल आ रहा है या कुछ है तो तू बोलते मैं तुझे करती हूँ कॉल अभी ऐसे, और फिर तू फोन रख देती है और फिर वापस कॉल करती है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि काफ़ी टाइम आप किसी से जब बात कर रहे होते हो तो आप शर्म में बोल ही नहीं पाते किसी को कि रुको मैं करती हूँ, किसी और का कॉल आता है क्योंकि सामने वाले को बहुत ऑफेंडेड फील हो जाता है ना कि मैंने इसका फ़ोन काट के किसी और का ले लिया। तो जो प्योरिटी उस तरीके से वो मुझे अच्छी लगती है कि आपको जो चीज़ है वो बोल देनी चाहिए, मतलब उसी से ही दोस्ती या जो भी रिलेशन है वो मजबूत होता है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी, और पहले भी मैंने बताया है मैडम बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ करती हैं अभी एज एन EP, पूरा टीम संभालती हैं, बड़े बड़े एक्टरों को संभालती, लेकिन कैमरे के सामने बंदी थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, आप लोग समझ ही गए होंगे, वो उधर कम इधर ज़्यादा देख रही है, तो है पर्दे के पीछे वाले लोग थोड़ा पर्दे में आने के लिए शर्माते हैं कई बार, बट अगेन हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वंडरफुल डिनर। हाँ पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसके जन्मदिन के बहाने मैं गई बाहर खाना खाने के लिए स्पेशली, देखो ना मैंने मतलब तैयार हुई अपने तरीके से थोड़ा, वो भी इतने बारिश थी तो ऐसे सात समंदर वार करके आई है। सही में तो दिख भी रहा होगा इनको वीडियो में लगाऊंगी कितनी बारिश, बाप रे। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग की है तो बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।